गर्म हुआ कि नहीं हुआ तो सासू जी से यहाँ पे डांट पड़ गई आपको। जैसे मेरी मम्मी पहली बार आ रही होगी किचन में, है ना, मतलब किस किस का नाम निकालो, इतने लोगों के फोन आए, मतलब जो मेरे सुप्रीम तक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आप सबके फोन मैंने अटेंड किया, मैं 7:00 2:00 बजे से दुख में अगर किसी से पूछ भी लिया ना तो बहुत अच्छा लगता, दवाई का काम करता वो चीज, तो यही बताना चाह रही थी। मतलब हमने खाना होना खाया और बैठ रखे थे हम, खाना होना खाने के बाद हम आधा घंटे ऐसे बैठे और मम्मी ने कहा ना अंदर जाके, ये लोड़ी आम बिछिन तो आम भात खान तो खाए नहीं। तो यहाँ पे मम्मी और पिताजी को भी दे दिया उस कमरे में आम, और यहाँ पे अभी आम खा रहे हैं, और केविन भी अब अभी निकाला उसने भी, वो भी आम अब खा के अब थोड़ी देर बाद वो भी स्टेडियम जाएगा। तो यहाँ पे मैं तो लगी हूँ बैठ के, और यहाँ पे मैंने पट्टी बांध रखी है, अभी मैंने फिर से इस पर बर्फ की सिकाई की थी, तो फिर थोड़ी देर बाद पट्टी बांधी मैंने, और यहाँ पे मैं आम का आनंद ले रही हूँ। ये बात तो सच देखी मैंने कल से ना, जैसे मैं 2 दिन में नहा धो ठीक ही रही थी, अपना बाल बुल बना के फिट फोर बैठी रही थी, जैसे मायके वाले आते या मायका जाओ आलस आ जाता भाई। मैं इस बिस्तर से ही देख सकते, मैंने कुछ फोल्ड नहीं कर रखा है, इस बिस्तर से मैं सुबह सिर्फ वॉशरूम गई, थोड़ा वहां पे कुल्ला किया, थोड़ा एक पानी थोड़ा सा मुंह धोया, कुछ नहीं किया मैंने, अलग ही हूँ खाने पे बिस्तर में। ला रही है मम्मी कभी मुंगरी ला रही है, कभी आम ला रही है, कभी सुबह क्या लाए थे उसके बाद चना मूंगफली वाला ना, मूंगफली का चना लाई थी, कभी कुछ नाश्ता भी यहीं पे हुआ, खस्ता भी लाई थी मम्मी, उसके बाद चाय। भाई चाय मैं इतना पीती कि क्या हो क्या बताएं, कोई बोलेगा ना चाय पीने से बीमारी होती है, चाय पीने से ऐसा होता है, भाई चाय तो मुझे बहुत पसंद है, चाय तो मैं अब ठंडे में तो बहुत चाय पीती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चाय पर चाय चाहिए ही चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं आज इतनी आलस्य वाली हो गई हूँ क्या बताऊँ, और मैंने सोचा कि मम्मी आएगी तो खाना तो मिल ही रहा ना, बिस्तर में जैसा सोचा था वैसा तो हो ही रहा, पर ये है कि मुंह धोने का नहाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बैठे बैठे ठंड भी लग रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है, तो बैठे बैठे नहाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंड लग रही है। देखने कम्बल रखी है मैंने, ये आप कह रहे होंगे ना झूठ कह रहे, क्योंकि यहाँ बारिश ही लगी है, तो यहाँ ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, तो ठंड भी लगी रही है, तो अभी आम का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद। एमां बोर तो नहीं होने ना बड़ा वहाँ बोर के वहाँ बोल रहा बहुत बड़े ना, पर जरा मैं अपना इधर याद रहना क्या कर कबर भाई क्या, जबकि फोन भी कर दिया वीडियो कॉल पर भी बात हो गई, पर क्या करता जान छ श्याम बहुत ना बोलता नहीं जा श्याम बहुत के रहता। मतलब मम्मी का यहाँ थोड़ा, अब ये है ना छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मन तो लगता ही है ना। हाँ पर ये है कि बेटी बेटी बीमार होगी तो यहाँ भी नहीं छोड़ा जाता नहीं, तो माँ यहाँ है पर माँ का शरीर वही है, होना चाहिए भाई ऐसी, दादी दादा भी हर किसी के नसीब में नहीं होते पता, ऐसी दादी दादा भी होना चाहिए। पिताजी भी लगे हैं उसको वीडियो कॉल करने पे, और दोनों के दोनों जब देखो तो वीडियो कॉल पर भी लगे हैं। भैया अब रात और खाने बड़े में ना, और अब देखा तुम के क्या बनाए, अब जो मैं बनाए बोलो बड़े मैंने खाना रात आगो, तब मैं बोल मी भी मैं बोल भैया दिन मैं भी पकड़ ये फोन आ लोग कमेंट करना रहा खुश बड़े रन में भी बेटा ना मैं मोचे मैं तो देखो भी नहीं सोड़ दू जान दो नहीं दे कि आज मैं बोला मैं भी पकड़ ये फोन मैं भी देख दू आ तुम लोग कमेंट कर मैं तो मैं खुश बढ़ रहा दिन उम्मीद के मैं खुश बढ़ दी मन चल हो मैं बुझे हमें मोड़ और बोले कने तब मैं बोला हमें भी पकड़ ये फोन हमें भी पढ़ो ना शादी रही बुझे वीडियो पढ़ो अच्छा तो पढ़ी थे तब बड़े मीन यू सब जानी अब ले जान पोर मुई तब यू ये पे दाल तो सब्जी च ये सेमे च तब ये भांडा बर्तन कर तैयार और तब ये जर भात भी च तब बस मैं बोली
आज इतके खाना पीना बनाए मेरे अब बलो लगड़ो ना मितने बलो लगड़ो मितने अब फोन पकड़ भी भी मिन बजा सर भी विषय को ध्यान दी मैं भी देखो जिन भी जान तो नहीं जान ये फोन पकड़ेगा अब बोल के ना अब मैं साथ ना बनी के मालूम आती है कमेंट करना मैं खुश भर दी मैं कि ना ये भी तुम कमेंट पढ़े के हैं सुनी रहने के मालूम आती है कमेंट करना पर अब राम भी बोलू मैं तो बोल के नहीं जान दे तो ये हम उन्हें मैं अस्तु में सुन भी नहीं देख भी नहीं कभी तो सच का हो रहा मैं तक लो भी हैं सुन दो कि कोई सच के कमेंट कर दो तो बहुत बहुत धन्यवाद तब तुम थी थे बोल देने मैं तो हेलो गाइस नमस्ते प्रणाम कैसा आप सभी लोग तो सुबह हो चुकी है और मैंने खा लिया था बन और मक्खन प्लस और जूस पिया था और सुनने में आ रहा है कि आज छोले भटूरे बना दिए आज छोला भटूरा आटा गुन लेना बड़े थाल में है हम कह दे इनको हो गई है स्टेडियम जाने के लिए टाइम लेट के इनको हो गई है टाइम बस बाय बेटा ठीक है फिर है केविन खा पी के चले गया है हमारी ये दूसरी बार की चाय का आनंद ले रही है तो मम्मी लगी है मम्मी थकान तो नहीं लग रही थी नहीं वो कह रहा कि रात भर तुम गप लगाते रहते गजबस गजबस ब्याह तो ब्याह ब्याह तो कल तो सो गए थे हम जल्दी है ना 11:30 तो मम्मी यहाँ पर आज छोला भटूरे बनाएगी और मैंने कल रात ना एडिटिंग नहीं की हम जल्दी सो गए थे तो मैं एडिटिंग करती हूँ अब पैर आज थोड़ा मेरा थोड़ा लग रहा है आपको आप ही बताओ यार लग रहा है थोड़ा कम लगना थे थोड़ा सा लगना ना ये भी खून यार दर्द यू नस जम चुके देख सकते हैं मेरी मम्मी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई है मम्मी सुबह सुबह नहा लेती है चाय चुई पीने के बाद और आटा गूंथ लिया था तब नहाई मम्मी ना तो मम्मी की बहुत अच्छी आदत है मम्मी सुबह सुबह नहा लेती है और हमारा तो अभी कुछ नहीं हुआ है नहाना धोना मैंने कहा थोड़ा मैं भी देखती हूँ क्या क्या कर रही है मम्मी तो मम्मी ने यहाँ पर रखा है तेल और यहाँ पे भटूरे बन रहे हैं ये देख सकते हैं ये है भटूरे का आटा गूंथ रखा और यहाँ पे इनके लिए रोटी भी बन रही है कि क्योंकि इन्होंने कहा मुझे नहीं खाना है भटूरा और यहाँ पे छोले बना रखे हैं मम्मी ने थोक दिल नहीं लो बढ़िया हूँ आराम आराम से करो सुबह सवेरा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आ गए हैं अपने सासू की हेल्प करने के लिए आप करो ऑटो मत आगे ने आगे ने बड़ो बैठे कल बार नहीं होना गोल गोल बटर ये सामने गोल है बड़ो मोल तक हां मेरी बहन ने वो ग्लैंड आ गया क्या के बोला सब को डाय ना ना वो कहती हो के बोल दे यार अजवाइन अजवाइन ना मेथी हरी मेथी तो खोल दे ले के खोल इनो नहीं ना को कोई बात नहीं तो मैं इनो के बहु को तक तब तो फुलाड़ लेने चल तू भी चल फिर अभी बड़ा नहीं चल तेल गरम करने के लिए गरम हुआ कि नहीं हुआ तो सासू जी से यहाँ पे डांट पड़ गई आपको किचन में धोस मना नहीं भाई चल बैठ जा मैं बढ़ो जा ऐसा मत बोलना ऐसा मैंने पैर ऊपर करके खड़ी हूँ मैं यहाँ पे है अरे ते बंद कर अरे लाइट खोल ले जरा गुण हो ते बंद कर मेरी मम्मी को ऐसा सिखा रही जैसे मेरी मम्मी पहली बार आ रही होगी किचन में है ना नहीं मेरी मम्मी बनाती है ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती बनाती है मम्मी
कमेंट करना ऐसे किस किस के जवाई डांटते है अपने सासू को। मेरी ये मेरी मम्मी को बहुत डांटते है पता। बड़ा पेड़ बना दो ये खराब नहीं होने। अच्छा बेकार वे बोलो मारे ना तो यार छोड़े भाई बन तू छोड़ा ना करकड़ा तुम बड़ा बड़ो तू बे ज्यादा सीधा अत जमे बन मैं पे बड़ों ता छोड़ा मांगर करकड़ा ये पूरी ही बड़ा ना ये थोड़ा बड़ा ए मैं मतलब बैठ तक नहीं ना ना आंत ये पेड़ बड़ा निकाला पेड़ हां ये बोला बड़ा निकाल बाल तुम असर बने की पतला कन बलो होटल फुगिया थे नहीं होटल में देखो तुम पतला था होटल में जा पड़ पेड़ बना मैं भी आनंद ले रही चुप आज भी दिन में भी मर जाए तो मैंने कहा मेरी भी आनंद आ रखी दो दिन मैं भी देखती हूँ क्या क्या होता है। मेरा भी ये समय है भाई चुपचाप रहो खाओ तो मैं भी देख सकती हूँ यहाँ पर किचन में आके इनका आनंद ले रही हूँ कि कैसे बना रहे कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। चलो फिर चलते हैं मैं तो रेस्ट पे बैठ जाती हूँ। और ये वीडियो बन रही है सुबह सुबह से। सुबह से तो केविन और माँ ने शुरुआत कर दी थी तो अब मैं नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। आज मेरा पैर काफी ठीक है काफी सुबह सुबह तो चले हो के मतलब जैसे चल रही ना मैं तो दर्द हो ही रहा पर जैसे धीरे धीरे फिर उसके बाद कम हो रहा फिर सुबह के टाइम तो ऐसे हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा अभी भी हो ही रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ आ गई है मुझे इतने दिन तक रेस्ट मिल गया है। और एक माँ के ही साथ होता है कि तुम मस्त लेटे रहो फ्रीडम और किसी के साथ नहीं होता यार। अगर अन्यथा कोई भी रहता ना तो उसके साथ भी थोड़ा मन को झिझक होती होती है। अगर मैं झूठ बोली तो कमेंट जरूर करना होता कि नहीं होता है ना। माँ के साथ ये है कि तुम 9-10 सबने नाश्ता कर दिया मैं और मम्मी अब कर रहे हैं 11 बजने वाले हैं तो कोई वो नहीं है कि मैं लेटी थी 10:30 बजे तो मम्मी ने कहा जा मैंने पानी गर्म कर दिया जा नहा ले तो मैं नहाने गई लेटी थी मैं। और फिर अब नाश्ता लाई मम्मी यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ते में मम्मी ने बना रखे हैं छोले बना रखे हैं नहीं दिख रहा होगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने मस्त वाले छोले बना रखे जो कि बहुत टेस्टी हो रहे हैं और चाय है और भटूरे हैं। और आप लोग ही बताओ यार मुझे तो वैसे ही लग रहा पर थोड़ा सा लग रहा कम कि नहीं लग रहा कम मुझे तो लग रहा कि वैसे ही है पैर पर पता नहीं मम्मी भी कह रही कि थोड़ा सूजन कम है दर्द तो सेम ही है वैसे ही है दर्द तो कम नहीं लग रहा मुझे बस थोड़ा सा सूजन कम हो गया ना ये वाली हड्डी दिखने लगे ये तो पूरा सूज रखा अभी भी देख सकते हैं। और यहाँ हो रहा दबाने में दर्द यहाँ तो नहीं हो रहा पर यहाँ हो रहा ये दबाने में दर्द तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी बैठ के नाश्ता कर रही है। और यहाँ पे तो मम्मी ने अपने लिए ना भटूरे नहीं बनाए क्यों माँ मम्मी ना डाइटिंग कर रही नहीं तो पता नहीं क्यों नहीं मम्मी खाती है भटूरे। मैंने बोल दिया था कि जबकि है पिताजी ने भी वहाँ दो बचा रखे पर मन नहीं खा रही मम्मी मम्मी ने और इन दोनों ने मतलब मेरे हस्बैंड जी ने रोटी खाई एक पर भटूरे खाए उन्होंने और रोटी बना रखी थी मम्मी ने तो यहाँ पर रोटी है चाय है छोले हैं और मम्मी भी बैठ के मस्त मजे से खाना खा रही है। पिताजी ने भी कर दिया है नाश्ता लो कि तुम्हारे मम्मी एक रोट भटूरा बढ़िया फिर क्या बड़ी छो दांत नहीं है अच्छा खानों को स्वाद से दांतों पर दांत है नहीं तो रोटी नहीं है दांत है दाढ़ी नहीं ना आटा बच रखा वो केबिन के लिए भी बचा रखा ना तो वैसे बना सकती थी क्यों नहीं बनाई मम्मी हैं तो मम्मी का जोर है रोटी पर वैसे आटा भी बच रखा और बोले कि जब केबिन आएगा उसके लिए दो गरम गरम बनाऊंगी दो तीन जितना खाएगा वो। तो यहाँ पर नाश्ता नुश्ता करने के बाद मतलब काफी देर तक मैं और मम्मी बैठे थे गपशप लगा रहे थे उसके बाद
यहाँ पे मम्मी लाई जूस और मम्मी लग गई है अंदर, देख सकते हैं दिख रही होगी आपको। तो मम्मी यहाँ पे दिन का खाने बनाने की तैयारी कर रही है, दाल रख रही है। और मैंने यहाँ पे ना मतलब थोड़ा जो कपड़ा रखा था तो मैं मम्मी ने बाहर ले गई, तो हम दोनों ने वो कपड़े भी डाले धूप में मम्मी ने और मैंने, और उसके बाद बैठे रहे जूस का आनंद ले रहे हैं। और सुना, और मैं ये कह रही ना कि बहुत सबसे पहले ना बहुत बहुत धन्यवाद यार आप लोगों के, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट ना, कसम से ना उन कमेंटों को देख के पढ़ के ऐसा लग रहा ना कि यार मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे पैर में चोट होगी। और मैं अकेली रहती हूँ, चलो कल परसों से तो मम्मी लोग आ गए हैं, उनके साथ टाइम का पता नहीं चल रहा, पर जैसे ना मतलब दो तीन दिन पहले जब मम्मी नहीं आई थी ना, तो उससे पहले मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़ के दिन गुजारा है, क्योंकि ये भी ड्यूटी चले जाते थे और केविन भी स्टेडियम चले जाता था, तो इतना बेकार लगता था। पता होगा आपको जब दर्द होता है या बुखार रहता है, तबीयत खराब होती है ना, अकेले में कितना बेकार लगता है यार, है ना। तो आप लोगों के सहारे ही मैंने मतलब यहाँ पे दो तीन दिन काटे हैं, वैसे तो काटे ही समझ लो, क्योंकि जब दर्द में अकेला बैठा रहे आदमी, मोबाइल भी नहीं देखा जाता ज़्यादा, टीवी भी देखे कितना देखा, अकेले पड़े हैं अंदर, कितना बुरा लगता है यार, है ना। वो तो मम्मी भी कह रही कि कैसे रहेगी तू दो दिन, अगर मेरी तबीयत ठीक रहे तो ये तो नहीं लगता है, क्योंकि कभी काम करो, ये झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ना कपड़ा धो, बाहर जाओ, अंदर जाओ, जब दर्द नहीं रहता तो आदमी कुछ ना कुछ करते रहते, पीछे किसी से बात करो, ये करो, वो करो, मतलब पता नहीं चलता। पर जब तबीयत खराब रहती ना, जब तबीयत खराब रहती ना, उस समय बहुत ज़्यादा बेकार लगता अकेला कमरे में। तो कई लोगों को फोन भी आए, मतलब अब किस किस का नाम निकालो, इतने लोगों के फोन आए मतलब जो मेरे शुभचिंतक हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आप सबके फोन मैंने अटेंड किया और आप लोगों को, आप लोगों के साथ मैंने बात की अकेले में, मुझे कहीं समय तो वैसे ही मेरा व्यतीत हुआ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो सबने मुझे फोन किया और अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने ही वीडियो देखी तुरंत फोन किया कि अब कैसी है तबीयत, अब कैसी है तबीयत, अब कैसी है तबीयत, मैं बोल बोल के थक भी गई थी, पर मुझे अकेला में अच्छा भी लग रहा था। जैसे ही जिसने वीडियो देखी वैसे ही उसने मतलब फर्स्ट और सेकंड की वीडियो देखी हुई ना, मेरे पैर में लगा, इतने फोन आए ना दो दिन में बता नहीं सकते, मतलब एक का फोन रिसीव करी तब तो दूसरे का फोन आ रहा, तब तो तीसरे का फोन आ रहा, तो बहुत अच्छा लगा यार सच में। मैं ये बोलती ना कि सुख में साथ दो और दो बजे से दुख में अगर किसी से पूछ भी लिया ना तो बहुत अच्छा लगता, दवाई का काम करता वो चीज। तो यही बताना चाह रही थी, मतलब ऐसे ही मतलब मैं देख रही थी ना यार कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, कि पढ़ के इतना अच्छा लग रहा ना कि यार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। केविन की मुखड़ी कितना हल्ला करता ये आते ही भाई, पढ़ना लाल मुखड़ी रे राम। तो केविन देखो तुम कितनी गर्मी से, केविन पहन के कुछ और गया था और आके कुछ है तो ऐसी पसीना आती इस पे, तीन जोड़ी कपड़े रहते इसके, एक दिन में वैसे ये चार या पांच जोड़ी कपड़े खराब करता है ना केविन। हाँ तो क्या भी इस वीडियो को एंड कर दें यहीं पे, अगर किसी वीडियो को एंड कर दें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कौन बोले निपटोने से रहने लगी केविन तो किलर।